सुरोगात फॉर यू पे कोई ना कोई उसकी कोई वीडियो चल रही होती थी तो वो सामने से गुजर जाता था कि हाँ प्यारा था माशाल्लाह से। कोशिश की कि उसको कहा जाए कि भाई ये मत किया करो, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लिपसिंग करो, जो अगर मॉडलिंग का शौक है जिसका भी शौक है वो सारी चीज़ें आप करो, लेकिन वन विलिंग मत करो। तो दिल से अभी भी सैड हूँ, दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह उसकी गलतियों को माफ़ कर दे। जब उसकी डेथ की खबर सामने आई तो मैंने कहा कि यार ये तो वही है जिसको मैं देखा करती थी। एक वो बहुत अच्छा लड़का था, लिटरली ही वॉज टू मच गुड। ऑब्वियसली फीलिंग्स तो होती हैं, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ना, जब आप वहाँ पे किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं, तो आपकी ना रेगुलर एक आदत बन जाती है। अक्सर औकात मैंने उसे कमेंट्स भी किए, लेकिन वो ऑब्वियसली उसकी फैन फॉलोइंग 1 मिलियन के करीब थी। रोड पे स्केटिंग कर रहे हैं, पीछे से आके कोई बाइक लग जाए तो एक सेकंड में आपकी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। सॉरी टू से कि अगर हमने किसी जगह पे जाना था, किसी को हमने नाश्ता भी, किसी लड़की को देखना, तो हम स्पेशल वो एक जगह होती थी, लेकिन आजकल कमेंट सेक्शन में ये पढ़ती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी सोच नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि आज अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज आपको मूवी देखने की जरूरत है, आप टिकटॉक खोलो, आपको रंग बिरंगी लड़की मिलेगी, 10 सेकंड में आपको पता नहीं क्या क्या करके दिखा देती है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, कोई हिस्सा दिखा के, कभी कोई हिस्सा दिखा के, वल्गैरिटी को प्रमोट करते हुए आप बता रहे हो कि जी हम लड़की हैं, अभी भी जो हमारी अकल है वो घुटनों में है, तो ये इतना कद क्यों बड़ा कर लिया? अपने माँ बाप को ये जो उन्होंने इतना पाल दिया ना, उसका सिला तो दो थोड़ा।